शुरुआती परिदा ने साल 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में पुरी जिले की निमापारा सीट से चुनाव लड़ा था और अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में शानदार जीत हासिल की और इस जीत ने उन्हें राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिलाया। बीजेपी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना है जो उनकी राजनीतिक क्षमता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। 57 साल की प्रवाती परिदा एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यों में काफी अहम योगदान दिए हैं और जनता के बीच अपनी पहचान बनाई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए करने के बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। प्रवाती परिदा ने ओडिशा हाईकोर्ट में कुछ वक्त तक वकील के तौर पर भी काम किया है। उनके पति सरकारी अधिकारी थे और कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके कानूनी और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता दिलाई है। प्रवाती परिदा की अगर दौलत की बात की जाए तो उनके पास कुल 3,60,00,000 रुपए की दौलत है, जिसमें 2 करोड़ की चल संपत्ति और 1.7 करोड़ की अचल संपत्ति है। उन्होंने अपनी कुल आय 31.8 लाख रुपए घोषित की है, जिसमें से 9 लाख रुपए उनकी खुद की कमाई है। हालांकि उनके ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज भी है। इसके साथ ही प्रवाती परिदा के खिलाफ 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। प्रवाती परिदा पूरे जिले की निमापारा विधानसभा सीट से विधायक है। निमापारा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का जनसंख्या मिश्रण इसे एक विविध निर्वाचन क्षेत्र बनाता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में निमापारा सीट पर प्रवाती परिदा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। ये सीट इस बार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं थी, इसलिए अलग अलग वर्गों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रवाती परिदा को इस चुनाव में लगभग 49% वोट मिले, जबकि उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी ने 46% वोट हासिल किए। ये चुनाव काफी कड़ा था, लेकिन प्रवाती परिदा अपनी लोकप्रियता और राजनीतिक कौशल के बल पर जीती। खैर दोस्तों, ओडिशा की इस पहली महिला डिप्टी सीएम को लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या कहता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट से यूं ही अवेयर रहने के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से यूं ही जुड़े रहें। देखिए, मैं पहले मेरी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसने और यहाँ पे आए हुए पर्यवेक्षक राजनाथ जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और राज्य के सभापति मनमोहन सामल जी और मुख्यमंत्री मोहन माझी जी को कृतज्ञता देते हैं कि इतना बड़ा जिम्मेदारी हम पे दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम पे उड़िया लोगों को जो बोले थे, उड़िया अस्मिता के लिए, जगन्नाथ ऐतिह्य के लिए, जगन्नाथ मंदिर के लिए जो बोल के गए थे, उसको एक एक करके कल से काम शुरू करेंगे। हमारी सरकार गरीब के लिए काम करेगी, युवक, महिला, कृषक, उनकी विकास करेगी और महिला सुरक्षा के लिए एक नया दिगंत खड़ी करेगी। आपने तो 3-4 बार इलेक्शन लड़े थे, हारे थे, इस बार जीते थे और सोचे थे कभी डिप्टी सीएम होने के लिए? पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हम पे जो साधारण कार्यकर्ता है वो असाधारण दायित्व में आ जाते हैं। मुझे तो कभी भी नहीं समझ में थी कि मैं भी इतना बड़े जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन पार्टी ने जो दायित्व दिए हैं उसको निभाने के लिए प्रभु जगन्नाथ की कृपा रहेगी और माँ मंगला की भी कृपा रहेगी, ये मेरी उम्मीद। महिला सुरक्षा, महिला जो 24 साल में जो दिखावा कर रहे थे वुमेन डेवलपमेंट की, हम लोग ने वुमेन लेड डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में करेंगे। आगे हम लोग बनाए सरकार, अपोजिशन जब स्ट्रांग होती है तभी काम अच्छी होती है।